हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो गांधी मनी, हमारा जो रुपया है और जो चिल्लर है, वह बनाते हैं, वह छापने का काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, विदाउट गेट है भैया, बहुत बढ़िया होने वाला है। 26,000 रुपीज पर मंथ प्लस TADAHR यहाँ पर आपको मिल जाने का है। डिटेल में हम इसका पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। एग्जाम के सेंटर आपको कहाँ मिल सकते हैं, किस तरीके के एग्जाम हो सकता है और एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी हमें बता दी गई है, सब बताऊंगा। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए यहाँ से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, बीई बीटेक डिप्लोमा से फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, विदाउट गेट है। दोस्तों, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, इसका नंबर है 01/2021-13 ऑफ मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट लोगों के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है प्रिंट मीडिया को, ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है। फुल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा और फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है इस महीने की 15 तारीख से, 15 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2021 होने वाली है। अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यह एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाला है 15 मार्च से, लेकिन हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल गया तो पूरी बात करेंगे किस तरह एग्जाम होगा, क्या सेंटर मिलेंगे, क्या फीस होने वाली है। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। पहली वैकेंसी सुपरवाइजर की प्रिंटिंग के अंदर है, S1 लेवल की पोस्ट, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 26,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। 5 पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व है 2। 18 से 30 साल 18 से 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या फिर आपने बीई बीटेक किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल कंट्रोल के अंदर सुपरवाइजर की वैकेंसी, S1 लेवल की पोस्ट, 26,000 रुपीज पर मंथ प्लस TADAHR मिल जाएगा। टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व है 2। फर्स्ट क्लास आपने डिप्लोमा किया है प्रिंटिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप बीई बीटेक वाले हैं, बीएससी वाले हैं, प्रिंटिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। खाली डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, खाली बीई बीटेक आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक के पहले अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो भी आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी सुपरवाइजर आईटी की है, A1 लेवल के अंदर वैकेंसी है, 26,000 रुपीज पर मंथ प्लस TADAHR मिल जाएगा। 2 पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व है सिंगल, एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 ईयर्स रखी गई है। डिप्लोमा किया हो आपने कंप्यूटर साइंस से आईटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीई बीटेक बीएससी या कंप्यूटर साइंस से आईटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। खाली बीई बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, खाली डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक के पहले डिप्लोमा नहीं किए हैं आप, तब भी इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट सुपरवाइजर OL के अंदर वैकेंसी, A1 लेवल की पोस्ट है, 26,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा सिंगल वैकेंसी। OBC के अंदर मास्टर्स डिग्री है आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश में, हिंदी में, प्लस आपने इंग्लिश हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में, और यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग दिया गया है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का। लास्ट वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, हिंदी के अंदर है, B3 लेवल की पोस्ट है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पे स्केल यहाँ पे 8,350 से स्टार्ट होने वाली है, 10,000 के ऊपर प्लस TADAHR आपको मिल जाएगा। सिंगल वैकेंसी है ST के लिए, 18 से 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएट हैं आप 55% मार्क्स के साथ, प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है, प्लस आपको टाइपिंग आती है हिंदी, 30 वर्ड्स पर मिनट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग इसके लिए जरूरी है, ग्रेजुएट वाले हर कोई अप्लाई कर सकते हैं जिनको टाइपिंग आती है, हिंदी टाइपिंग आती है 30 वर्ड्स पर मिनट। दोस्तों, यहाँ के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम आपका होने का है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वह रिटर्न वह ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर बनने का है। आपको एग्जाम के सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर मिल जाने के, कहाँ कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम की टेंटेटिव
मंथ भी हमें बता दिया गया, यह एग्जाम हो सकता है जून जुलाई 2021 में, जून जुलाई 2021 में इसका सीबीटी यानी कि कॉमन एग्जाम करवाया जा सकता है और यह फाइनल मेरिट लिस्ट भी रिटर्न के ही बेसिस पर बनने का है। रिटर्न के सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, मेट्रो सिटीज में, जहां जहां पे SPMCIL के ब्रांचेस है, जैसे कि नासिक में, दिल्ली में, नोएडा, कलकत्ता, भोपाल, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगह आपको एग्जाम के सेंटर यहाँ पर मिल जाने के हैं। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर 600 रुपीज रखी गई जनरल वालों के लिए, इसके अलावा SC ST के लिए यहाँ पर 200 रुपीज 200 रुपए फॉर्म भरने की फीस रखी गई है। रिटर्न एग्जाम किस तरीके का होता है, उसका पैटर्न किस तरीके का होता है, तो उस बारे में बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। इस रिटर्न एग्जाम में आपको रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड प्लस आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिसिप्लिन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, बाकी नॉन टेक्निकल में आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और अवेयरनेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर 1 मार्क्स का होता है। दोस्तों कितने नंबर का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन होंगे वह हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप चीजे कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी का मैं रिप्लाई कर सकूं। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉर्म अभी खुला नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर नहीं आएगा 15 मार्च 15th of March 2 दिन के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कीजिएगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वो मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल का जो मैं पोस्ट बनाता हूँ ओरिजिनल पोस्ट है, तो वहां पर भी मैंने सब चीज डिटेल बताई हुई है इंग्लिश में, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।